हाय एवरीवन, दिस इज शशांक सिंह एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IAS पॉइंट वेस्ट बे ऑफ लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम सभी NCERT क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 5th का नेक्स्ट टॉपिक है वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी। फ्रेंड्स, यह टॉपिक आप सभी की जानकारी के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो लेक्चर को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। और जिन लोगों ने IAS पॉइंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि IAS पॉइंट के द्वारा अपलोड होने वाली वीडियो की सबसे प्रथम जानकारी आप तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, आइए हम स्टार्ट करते हैं वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी। यानी कि किसी भी वस्तु को हम जब खरीदें या कोई भी सेवा हमको प्रोवाइड की जा रही है उसके बारे में हमको क्या क्या जानकारी रखनी चाहिए, क्या नहीं रखनी चाहिए, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ना जानकारी होने के चलते भी हमें गलत सामान दे दिया जाता है, जिसका खामियाजा हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है और उसे हम ही को ही भुगतना पड़ता है। तो आइए अब हम टॉपिक पर चलते हैं। जब आप कोई वस्तु खरीदेंगे तो उसके पैकेट पर कुछ खास जानकारियां पाएंगे। ये जानकारियां उस वस्तु के अवयवों, मूल्य, बैच संख्या, निर्माण की तारीख, खराब होने की अंतिम तिथि और वस्तु बनाने वाले के पते के बारे में होती है। सामान्यतया जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस पैकेट पर ये लिखा होता है कि इसमें कौन कौन सा इंग्रेडिएंट मिलाया गया है, यानी कौन कौन से अवयव मिलाए गए हैं, उसकी बैच संख्या क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है और एक्सपायरी डेट क्या है, और कहाँ किस कंपनी ने इसको बनाया है उसका एड्रेस सहित उसमें लिखा होता है। जब हम कोई दवा खरीदते हैं तो उस दवा के उचित प्रयोग के बारे में निर्देश और उस दवा के प्रयोग के अन्य प्रभावों और खतरों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब आप वस्त्र खरीदेंगे तो धुलाई संबंधी निर्देश प्राप्त करेंगे। प्रायः यह देखा गया है कि जब हम दवा खरीदते हैं तो उसके यूजेस के बारे में हमको बताया जाता है या उसके रैपर पर ही लिखा रहता है कि कितनी मात्रा में और इस दवा को यूज करना है, और अगर इससे ज़्यादा होता है तो फिर वह हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे हानिकारक है, यह सारी बातें उसमें मेंशन होती हैं। तो यूज करने के पहले हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी उस प्रिकॉशंस को बरतें जो कि कंपनी के द्वारा, मैन्युफैक्चरर के द्वारा उसमें दिया गया है, लिखा गया है। जैसे यदि हम वस्त्र खरीद रहे हैं तो वस्त्र में क्या होता है कि वस्त्र की धुलाई कैसे करना है और उसको प्रेस कैसे करना है, कैसे रखना है, कहाँ धूप में उसको सुखाना है या नहीं सुखाना है, तो ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहती हैं। कि यूजेस के बारे में जब तक हमको नहीं पता होगा तब तक हम किसी भी सामान का गलत उपयोग ही करते रहेंगे। आखिर ऐसे नियम क्यों बनाए गए हैं कि वस्तु बनाने वाले को ये जानकारियाँ देनी पड़ती हैं? जनरली ये क्वेश्चन लोगों के मन में आ सकता है कि ये सब बनाना क्यों अनिवार्य है। अगर ये सारी चीज़ें हम नहीं लिखते हैं उसमें या नहीं बताते हैं उसमें तो कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, हम उसके ऊपर क्या एक्शन ले सकते हैं अगर कोई भी वस्तु हम खरीद रहे हैं और उसमें ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रिकॉशंस नहीं बताए गए हैं। तो आइए अब हम उसके बारे में आगे जानेंगे। यह इसलिए कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है उसके बारे में उसे सूचना पाने का अधिकार है। यह हमारा आपका राइट्स है, हमारा आपका ये अधिकार है कि जो भी वस्तु हम परचेज कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसके बारे में हमको फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, फुल जानकारी हमको मिलनी चाहिए। इसलिए मैन्युफैक्चरर कंपनी को ये उसमें मेंशन करना पड़ता है, यह लिखना पड़ता है। तब उपभोक्ता वस्तु की किसी भी प्रकार की खराबी होने पर शिकायत कर सकता है, मुआवजे पाने या वस्तु बदलने की मांग कर सकता है।
अब उपभोक्ता जो वस्तुओं पर लिखा गया है उसका यूज कैसे कर सकता है। मैं आपको बताऊं कि जैसे कोई सामान खरीदा गया, मान लीजिए कोई दवा ही मैंने लिया, तो जब दवा लिया तो उसकी मैन्युफैक्चर डेट जो थी उसको मैंने देखा, लेकिन एक्सपायरी डेट नहीं देख पाया और एक्सपायरी डेट उसकी जो थी वो यानी दवा एक्सपायर हो चुकी है, और फिर भी हम उसको खरीद के ले आए, उसको यूज किए, खाए या खिलाए किसी को। तो जब एक्सपायरी डेट की दवा हम खाएंगे तो स्वाभाविक बात है कि बीमारी ठीक होने की बजाय और बढ़ेगी। तो हम यही प्रूफ है हमारे पास, यही एक आधार रहेगा जिसके बल पर हम उस दुकानदार, उस विक्रेता के खिलाफ या उस हम कंप्लेन कर सकते हैं, और जो भी नुकसान हुआ है, चाहे स्वास्थ्य का हुआ हो या पैसे का हुआ हो, उसको हम मुआवजे के रूप में उससे ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम एक उत्पाद खरीदते हैं और उसके खराब होने की अंतिम तिथि के पहले ही वह खराब हो जाता है, कोई ऐसा उत्पाद जो खरीदा जाता है और उसकी जो लास्ट डेट यानी एक्सपायरी डेट है उसके पहले ही वह खराब हो जाता है, तो हम उसे बदलने के बारे में कह सकते हैं। यदि वस्तु खराब होने की अंतिम समय सीमा उस पर नहीं छपी है, तब विनिर्माता दुकानदार पर आरोप लगा देगा और अपनी जिम्मेदारी नहीं मानेगा। यदि लोग अंतिम तिथि समाप्त हो गई दवाओं को बेचते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। यानी कि कोई भी सामान अगर एक्सपायरी डेट क्रॉस करने के बाद भी बेचा जा रहा है तो हम उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं और उसका जो भी मुआवजा रहेगा उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति मुद्रित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचता है तो कोई भी उसका विरोध और शिकायत कर सकता है। जैसे कि कोई भी वस्तु जब खरीदी जाती है या हम खरीदते हैं तो उस पर एक प्राइस लिखा रहता है जिसको हम कहते हैं MRP, यानी मिनिमम रिटेल प्राइस, तो इसको हिंदी में बोलते हैं अधिकतम खुदरा मूल्य। अगर इससे अधिक वह पैसा मांग रहा है विक्रेता तो हम इसकी भी शिकायत कर सकते हैं। यह अधिकतम खुदरा मूल्य MRP के द्वारा इंगित किया हुआ होता है। वस्तुतः उपभोक्ता विक्रेता से अधिकतम खुदरा मूल्य से कम दाम पर वस्तु देने के लिए मोलभाव कर सकते हैं। क्रेता इतना जरूर कर सकता है कि जो भी MRP दी रहती है उससे हम कम रेट पर, कम मूल्य पर दुकानदार से ये कह सकते हैं कि आप हमको सामान दे दीजिए, बार्गेनिंग कर सकते हैं। बट दुकानदार का ये राइट्स नहीं बनता है कि MRP से भी अधिक हाई प्राइस पर वह पैसा मांगे और हम उसको दें। आज सरकार द्वारा प्रदत्त विविध सेवाओं को उपयोगी बनाने के लिए सूचना पाने के अधिकार को बढ़ा दिया गया है। सन 2005 के अक्टूबर में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया जो RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना पाने का अधिकार के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप सभी अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा कि सूचना पाने का अधिकार कानून कब लागू किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आप कह सकते हैं कि सूचना पाने का अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिनको हम शॉर्ट में कह सकते हैं RTI, यह सन 2005 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि नागरिकों को सरकारी विभागों के जितने भी कार्यकलाप हैं, जितने भी एक्टिविटी हैं, जितने भी नई नई योजनाएं हैं, उनके बारे में सूचनाओं को पाना इसका मुख्य उद्देश्य है। RTI एक्ट के प्रभाव को निम्नलिखित केसों के द्वारा समझा जा सकता है। आइए एक एग्जाम्पल दिया गया है, उस एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं कि RTI को हम कैसे यूज कर सकते हैं। इंतजार,
अमृता नाम की एक इंजीनियरिंग स्नातक ने नौकरी पाने के लिए अपने सभी प्रमाण पत्रों को जमा करने तक तथा इंटरव्यू देने के बाद भी एक सरकारी विभाग में कोई रिजल्ट नहीं प्राप्त किया। यानी कि अमृता नाम की एक लड़की है, उसने इंजीनियरिंग से यानी कि स्नातक किया है और नौकरी पाने के लिए और इंटरव्यू देने के लिए भी उसने गवर्नमेंट ऑफिस में अपने सभी दस्तावेजों को, सभी सर्टिफिकेट को जमा कर दिया, बट अभी उसका कोई भी रिस्पांस नहीं आया। कर्मचारियों ने भी उसके प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार कर दिया। जब कर्मचारियों से पूछा जाता था कि क्या हुआ, हमारा प्रोसेस कहां तक पहुंचा है या होगा या नहीं होगा इत्यादि बातें जब अमृता के द्वारा पूछी गईं, तो कर्मचारियों ने उनके प्रश्नों का उत्तर देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। तब उसने एक्ट का प्रयोग करते हुए एक प्रार्थना पत्र दिया और यह कहा कि एक उचित समय तक परिणाम की जानकारी पाना उसका अधिकार था। उसने आरटीआई के तहत एक रिट दायर किया और उसने ये लिखा कि एक डेफिनेट टाइम तक सूचना पाना, यानी कि हमारा कार्य कहां तक पहुंचा है, हम हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इट इज़ आवर राइट, यह मेरा अधिकार है, इट इज़ माई राइट कि हम हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तब उसने जिससे कि वह अपने भविष्य की योजना बना सके, उसको न केवल रिजल्ट की घोषणा में देरी के कारणों के बारे में सूचित किया गया, बल्कि उसको नियुक्ति के लिए बुलावे का पत्र मिल गया क्योंकि उसने इंटरव्यू अच्छा दिया था। अब जब उसने आरटीआई के तहत एक केस दायर किया तो उसको सब कुछ मिल गया, यानी कि उसको अपने दिए हुए इंटरव्यू के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल गई, दूसरी तरफ उसको ये भी मिल गया ज्वाइनिंग लेटर कि आप आइए ज्वाइन करिए, आपका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया था। तो यह इस केस के द्वारा, इस इंसिडेंट के द्वारा हम समझ सकते हैं कि आरटीआई हम लोगों के लिए कितना यूजफुल है, और यदि हमारे आपके जीवन में भी ऐसी ही कोई घटनाएं घटित होती हैं तो हम उसका हेल्प ले करके अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आओ इन पर विचार करें। पहला क्वेश्चन है, जब हम वस्तुएं खरीदते हैं तो पाते हैं कि कभी कभी पैकेट पर छपे मूल्य से अधिक या कम मूल्य लिया जाता है, इसके संभावित कारणों पर बात करें, क्या उपभोक्ता समूह इस मामले में कुछ कर सकते हैं, यदि कर सकते हैं तो चर्चा करें। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि बहुत बार दुकानदार एमआरपी से अधिक में दे देते हैं और एमआरपी से कम मूल्य पर भी दे देते हैं, तो व्हाट इज़ द रीज़न बिटवीन हाई प्राइस एंड लो प्राइस, तो आप इस पर डिस्कशन कीजिएगा। इफ़ एनी प्रॉब्लम्स विल कम देन आई विल टेल यू। सेकंड क्वेश्चन है, कुछ डिब्बाबंद वस्तुओं के पैकेट को लें जिन्हें आप खरीदना चाहते हैं और उन पर दी गई जानकारियों का परीक्षण करें, देखें कि वे किस प्रकार उपयोगी हैं। क्या आप सोचते हैं कि उन डिब्बाबंद वस्तुओं का कुछ ऐसी जानकारियां दी जानी चाहिए जो उन पर नहीं है, चर्चा करें। तीसरा क्वेश्चन है, लोक नागरिकों की समस्याओं जैसे खराब सड़कों या दूषित पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में शिकायतें करते हैं लेकिन कोई नहीं सुनता। अब आरटीआई कानून आपको प्रश्न पूछने का अधिकार देता है, क्या आप इससे सहमत हैं, विचार कीजिए। जैसे पहले हम कुछ कंप्लेन करते थे, कोई सूचना हम पाना चाहते थे तो कोई नहीं सुनता था, बट जब से गवर्नमेंट ने सन 2005 में आरटीआई कानून लागू किया, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार पाने का, तब से लोग सुनने भी लगे हैं और एक्टिविटी भी फास्ट हो गई है,
तो इस विषय में आप सभी क्या कहना चाहते हैं उसको डिस्कशन कीजिएगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो फिर हम आपको बताएंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप आयुष पॉइंट के साथ जुड़े रहिए। कोई भी प्रॉब्लम्स आती है आप लोगों को पढ़ाई में तो हमारे टीम से कॉन्टैक्ट कीजिए, आपकी हर संभव मदद की जाएगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।